मेरा जो चयन है झारखंड प्रशासनिक सेवा में वर्तमान में किया गया है, एवं मैंने इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि झारखंड में चूंकि बहुत अधिक समस्या थी प्रशासन के क्षेत्र में, तो मैं उसमें अपना भूमिका निर्वहन करना चाहती थी। एवं जिस क्षेत्र में मेरा नियुक्ति किया जाएगा, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ की समस्या को ध्यान में रखकर मैं वहाँ समस्या का समाधान करूँगी। यहाँ पर मेरे परिवार के द्वारा, चूँकि हमारे परिवार जो थे आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर थे, इसमें मेरी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा सफलता के पीछे, एवं साथ ही साथ हमारे स्थानीय क्षेत्र माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा मुझे सहयोग राशि प्रदान किया गया, जो मुझे सफलता के लिए और एक इतना बड़ा सफ़र तय करने के लिए ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। साक्षात्कार के दौरान मुझे महिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में महिलाओं की क्या समस्या है, तो मैंने उन्हें ये जवाब देके काफ़ी अधिक संतुष्ट के रूप में देखी कि मैंने कहा कि वर्तमान समय में जो झारखंड में महिलाओं की समस्या है वो घरेलू हिंसा, शिक्षा की समस्या, एवं यहाँ पर महिला अपना जज्बा को दबा सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत सारे महिलाओं में टैलेंट है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाती है। मैंने उनका ये जवाब दिया जिससे बोर्ड काफ़ी अधिक प्रभावित हुए। उसके बाद JPSC का जो रिज़ल्ट का जो प्रक्रिया था आने में लगभग 4 साल लगा। इस बीच मेरा मन काफ़ी अधिक विचलित होता था, लेकिन मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा काम पढ़ना है और जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत शामिल होना है, क्योंकि मैं सिस्टम को बदल नहीं सकती हूँ, मुझे अपने सिस्टम के अनुकूल ही हमें ढलना होगा। झारखंड के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि असफलता ही सफलता की कुंजी है और उसी में सफलता के बीज छिपे हुए होते हैं, एवं कोई भी लक्ष्य का निर्धारण कर जो कोई भी लक्ष्य का जो निर्धारण किया जाता है, उस लक्ष्य के पीछे तब तक भागना चाहिए जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।